हेलो एवरी वन हाउ आर यू ऑल आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल एंड वेलकम बैक टू माई चैनल सो गाइज आप लोगों ने तो देखे था लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि यहाँ आप खुशी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है वो बहुत ज़्यादा जेलिस फील होती है और कहती है बस बहुत हो गया अनन्या अब देखना मैं आपके साथ क्या करती हूँ इतना ही बोल के चुपके से अपने रूम में बाहर निकल आती है और अपने मोम्स के रूम को देखने लगती है यानी गीता और भूमि के रूम्स को रूम के बाहर जाती है और कान लगा के सुनने लगती है कि कहीं अंदर से कोई आवाज़ तो नहीं आ रही उसे एकदम से सन्नाटा सा फील होता है और वो कहती है अच्छा हो गया कि गीता मम्मा और बूमाम हो गया अब मैं आराम से निकल सकती हूँ ऐसे ही बोल के वो छुपके छुपे मेन गेट पे जाती है जहाँ अभी तो गार्ड्स जाग रहे थे और वो कहते हैं अरे खुशी बेबी आप इतनी रात को कहाँ जा रही हो खुशी बोती आ, वो मैं मैं बस ऐसे टहलने के लिए जा रही हूँ तो घाज बोलते हैं ठीक है हम भी आपके साथ आएंगे खुशी बोती हो यार अब क्या मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे खुशी बोती मैं बस इधर ही तो जा रही हूँ हाँ मुझे गाज की ज़रूरत नहीं है घाट बोलते हैं कि भूमि मैम ने सख्ती से बोला है कि आपको अकेले कहीं भी ना आने दिया जाए और अभी शाम भी बहुत हो रही है अंधेरे हो गया देखिए रात हो गया आप कहीं मर जाइए खुशी बोती क्या है मुझे कैद करके रखोगे हाँ मुझे ये कैद वाली जिंदगी नहीं पसंद बोला ना टहलने जा रही हूँ थोड़ी देर में वक्त भी आ जाऊँगी जिस पर गाड़ बोलते हम भी आपके साथ आएंगे वो जाने ही नहीं देरते खुशी को खुशी समझ जाती कि भाई यहाँ से झूठ बोल के अकेले में निकल नहीं सकती तभी वो ड्राइवर अंकल को बुलाते उन्हें बोलते गाड़ी निकालो तो गाड़ बोलते अब अभी टहलने जा रही थी अभी अब गाड़ी गाड़ी में टहलने कौन जाता है जिस पर खुशी बताई आप अपने काम से काम रखिए रहा घर की हिफाजत के लिए रखा कि आपको घर पे ध्यान दीजिए इतना बोल के गाड़ी में बैठते और गार्ड्स को पीछे नहीं आने देते ड्राइवर अंकल को बोलती है अनन्या के घर घुमा लो ड्राइवर अंकल जो है वो गाड़ी घुमा लेते हैं थोड़ी देर के ड्राइवर के बाद ये लोग अनन्या के घर पहुँच जाते हैं यहाँ खुशी अचानक से दरवाजे से जब अंदर एंट्रे होते हैं तो एक पल के लिए तो होता तो मम्मी तो 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 शोटू जाते कि अचानक से खुशी कहाँ से आ गई खुशी भूती हेलो आंटी नमस्ते वो कहते नमस्ते खुशी बेटा तुम इस टाइम यहाँ पे सडनली सब सब ठीक तो है ना खुशी भूती हाँ जी आंटी वो एक्चुअली सुबह एक हमारी बहुत इंपॉर्टेंट प्रे, प्रेजेंटेशन हाँ प्रेजेंटेशन ही तो है आ, थोड़ा सा काम रहता था, था उसकी तो मैंने वो अनन्या से मिलना था क्या मैं मिल लूँ कहती अरे बेटा पूछने की क्या होता है तुम्हारे घर है जाओ पर रूम में होगी मिल लो खुशी ऊपर की तरफ चली जाती है तभी पीछे से आंटी कहती अरे ये लड़की कौन थी तो यही थी अनन्या की बेस्ट फ्रेंड है दोनों साथ में ही कॉलेज में तो स्टडी के लिए आते जाते रहते एक दूसरे के कहती ओ अच्छा बहुत प्यारी लड़की है ये तो 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 अनन्या की मम्मी कहती हाँ बहुत प्यारी है मेरे लिए बिल्कुल ऐसी है जैसे मेरी अनन्या बहुत स्वीट लड़की है ना तो उसके बाद ये लोग फिर से बातें करने लगते हैं तभी खुशियाँ है तो रूप में आती है और वो अनन्या को गुस्से से अनन्नया अनन्या अनन्या बोती खुशी तुम मिश्र यहाँ पे क्या कर रही हो खुशी खुशीपति क्यों अब मोहतरमा मैं आपके घर भी नहीं आ सकती हाँ बहन हो गया है क्या मेरा आपके घर पे कदम रखना अनन्या ने बोलती क्या चल कुछ कुछ भी मत बोलो हाँ मेरा वो मतलब नहीं था खुशी खुशीपति तो क्या मतलब था अनन्या ने बोती अच्छा अच्छा बैठो ना खुशी खुशीबती मैं यहाँ बैठे नहीं आई अनन्या ने बोती ओके ओके रिलैक्स हाँ तो यहाँ शिनाया कन्फ्यूज हो जाती अरे अनन्या जो भी मुझसे इतनी बदतमीज़ी कर रही थी जो अपने आगे किसी की सुनती नहीं है कैसे उसके सामने कितनी स्वीट बात कर रही है और मेरे साथ कैसे रू के बात करती है इसकी तो क्या इसका ये कुलसमन सिर्फ मेरे लिए है शिनाया अभी मन ही मन ये सोच ही रही थी कि तभी खुशी बोलती हेलो मैं हूँ खुशी और तुम तो शनाया बोती है तुम नहीं आप होता है गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट शायद ये सेंटेंस आपने कहीं ना कहीं तो सुना होगा ना तभी अनन्या बोली शनाया प्लीज मेरे साथ बदतमीजी करती हो चलता है पर इसके साथ सोचना भी मत ये सब कुछ उन्होंने बहुत गुस्से में शनाया की आंखों में आंखें डाल के और अपनी फिंगर उसे यू दिखा के बोलती है तो शनाया उधर ही चुप हो जाती है कुछ भी नहीं बोलती खुशी बोलती है मैडम जी आपने ही इसे इतना बढ़ाया है कि वो मेरे आगे भी बदतमीजी करी अनन्यावती प्लीज़ आई एम सॉरी अब यहाँ पे क्या करी हो मुझे ये बताओ अनन्यावती मेरा अब मेरा मतलब ये नहीं कि आप यहाँ क्यों वहाँ ये वो फिर गलत लेके बैठ जाना मैं जिस मैडम पूछ रही हूँ कि सडनली यहाँ पर इतनी रात को सब सब ठीक तो है ना जिस पे खुशी टोंट मारते हुए गई थी क्यों यहाँ पर यही शनाया मैडम आ सकती है रात में आपके घर मैं नहीं अन्ना ने बोलती ओ कमौन खुशी प्लीज़ क्योंकि बोलते वो प्रेजेंटेशन है ना सुबह उसके लिए आई हूँ उन्होंने बता कौन सी प्रेजेंटेशन तो खुशी गुस्से गुस्से से घूरती ने बोती वो उस शीट में भूल गई थी सॉरी हम तो चलो बाहर चल के बात करते प्रेजेंटेशन के बारे में तो ये तो ना बाहर आ जाते और फिर खुशी है ना अगर कलर पकड़ के मुझे सा बताओ क्या चल रहा था अंदर हम तो कहती कुछ 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 भी नहीं चल रहा था ज्यादा खुशी बोती तो फिर इतना हकलाक क्योंकि बोली कुछ 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 साफ साफ बताओ मुझे मुझसे पूछा कोई नहीं होगा उन्होंने ले अब कॉलर को छोड़ो कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा प्लीज, प्लीज हाँ क्या कै, जान घर पे प्लीज इस कुछ ही कॉलर छोड़ देती हो गई ओके अब मुझे बताओ तुम तो के तो तो बीच क्या चल रहा खमो जान शक सीरियसली अभी भी मुझ पर विश्वास नहीं है कम ऑन बेबी आई लव यू सो मच मैं आपके अलावा किसी को देख भी नहीं सकती जिस पे गुस्से से खुशी खुशीबुदी हाँ पता है मुझे नहीं देख सकती पर तारीफ़ वो तो मैडम भरपूर कर सकती है हाँ जिस पर न बोती ओ अच्छा वो वो तारीफ़ खुशीबुदी वो, वो 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 वही तारीफ़ की बात करी अब बताओ मुझे तभी आ जाती थी एक्सक्यूज मी मुझे नीचे जाना है साइड दोगी थोड़ा जिस पर खुशी साइड हो जाती है और फिर अनन्या भी साइड हो जाती है शनाया नीचे जा रही थी और यहाँ पे अब खुशी गुस्से से उसे दीवार से लगाती होती गई अब बताओ मुझे क्या चल रहा था हाँ साफ साफ बताओ मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है और ये दोनों तो एक दूसरे के काफ़ी क्लोज थे और एक दूसरे को देख के गुस्सा भी कर रहे थे मतलब तो अनन्या नहीं कर रही थी पर खुशी तो चढ़ाई ही कर ही जा रही उस पर तभी शनाया पीछे पलटती है और वह सब कुछ देख लेती कहती ये है कौन जो आते साथ अनन्या की बैन बचा रही है वेल जो भी हो मेरे काम की है मैं तो चाहती इस बच्ची की बच्ची का ना सारा ही गो साइड हो जाए इतना बोल के वो नीचे जाके बैठ जाती है तब इन्होंने की मम्मी अरिश्नाया बेटा तुम नीचे क्यों आगे सब ठीक है ना तो वो थी हाँ वो ऊपर दोनों का झगड़ा हो रहा है अनन्या और उसकी वो जो फ्रेंड तो कहती ओह ये दोनों में ना टॉम एंड जेरी की तरह लड़ती हैं लेकिन प्यार भी बहुत है दोनों में रुको मैं अभी आती हूँ तब बोल के वो ऊपर आ जाती है कितने कमोन गाय सब तो झगड़ा बंद करो और तुम घर पे गेस्ट हैं और ऊपर से खुशी आई है तुम्हें अच्छे से बात करनी चाहिए उसे और तुम उसे झगड़ा करियो उन्होंने होम पर मैंने तो कुछ किया ही नहीं तभी खुशी होती आंटी देखा आपने तो इतनी रात में मैं सबसे छुप के इससे मिलने के लिए आई हूं आई मीन प्रेजेंटेशन के लिए आई हूँ इसको देखो मेरी बड़ी ने बस जब से आई हूँ मुझसे झगड़े जा रही है तभी उन्होंने बोली हाँ मैं मैं झगड़ रही हूँ सीरियसली खुशी आप झूठ बोल रही हो अब अब आप झूठ पर बोलोगी खुशी बोती देखा आंटी एक तो झगड़ रही है और ऊपर से मुझे ही जूठा बना रही है ये ना आपकी नजर में मेरी इमेज खराब करना चाहिए असल में नहीं जलती है आंटी हम दोनों की बॉन्ड से तभी उन्होंने बोलती हाँ मैं मैं जलती हूँ खुशी बोती और नहीं तो क्या मेरी आंटी कितनी बनती है तो आपको जलन हो रही है ना हाँ साफ साफ बोलो ना धनिया बोलती हाँ माँ मुझे जलन हो रही है सब मेरी गलती है मैं चिल्ला सब कुछ मैं ही तो करती हूँ हाँ इतना बोल के नन्हे रूप में चली जाती है तभी आंटी खुशी के कान कह सकती थी बहुत शैतान हो रही हो वहाँ सब दिखाई देता है मुझे चलो जाओ मनाओ उसे खुशी बोती मैं नहीं जाऊंगी आंटी आपको पता नहीं आपकी बेटी कितनी बदतमीज़ हो होगी मतलब मुझे बहुत सता है मैं नहीं जाऊंगी मनाने और मैं घर भी जा रही हूँ तो खुशी नीचे जाने लगती है तभी पीछे से आंटी आके उसे रोकती हो गई थी बस खुशी कहीं नहीं जा रही हो बहुत रात हो गई चुपचाप से रूम में जाओ और सो जाओ सुबह कॉलेज साथ में चले जा और उसके बाद जहाँ जाना हो वहाँ जाना खुशी बोली नहीं मैं नाराज़ हूँ नाराज मैं उसके साथ रूम में नहीं रहूँगी मैं जा तभी खुशी को फिर से रोक है कहती खुशी रूम में जा रही हूँ या फिर मैं करूँगी तो या भूमी को कॉल खुशी बोलती आंटी जी मैं तो मजाक कर रही थी मैम मैं, मैं रूम में तो जा रही हूँ पढ़ाई भी तो करनी है गुड नाइट आंटी गुड नाइट गाइस इतना बोल के खुशी वहाँ से चली जाती है अनन्या की मैं मुस्कुराते कहती दोनों कभी नहीं सुधरेंगी अब यहाँ पे शनाया को ना क्योरिसिटी हो रही थी उसे जानना था कि भाई इन दोनों के बीच में क्या गहरी दोस्ती और आंटी भी तो सबके सामने तारीफ किए जा रही थी इनकी दोस्त की बातें किए जा रही थी इतना प्यार है एंड ऑल लड़ाई झगड़ा सब कुछ अब उसे भी जानना था लेकिन शनाया थोड़ी इरीटेट भी हो चुकी थी तो उसे घर भी जाना था वो अपनी मोम की इशारा की थी मोम इस टू लेटा कमोन घर चलते हैं और ये इशारा करते हुए अनन्या की मोम देख लेती है वो पूछती है कि क्या हुआ क्या कह रही है ये तभी अनन्या की फ्रेंड बोलती है कि कह रही है बहुत लेट हो गया घर चलते हुए थी नहीं 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 कहीं नहीं जा रही पहली बार मेरे घर आए और ऊपर से इतना लेट हो गया कहीं नहीं जा रही मैं तो अपनी दोस्त को कहीं नहीं जाने दूंगी मुझे रात भर के इतनी सारी बातें जो करनी है तभी शनाया खड़ी हो जाती की थी ओके आप दोनों दोस्त हो रात में बिताओ एक रात बिताओ दो रात बिताओ, बिताओ जितनी बातें करनी है करो पर मैं क्यों यार मुझे घर जाना है तभी नन्हने की मम्मी कहती अरे बेटा तुम्हें घर क्यों जाना है यहाँ पे अनन्या है ना और खुशी भी है अब तो तुम उन दोनों की यज करो तुम ओकी खूब बनेंगे जाओ उनके साथ रूम में खूब मस्ती करो पर कहती नहीं नहीं मुझे नहीं जाना मुझे घर जाना है तभी नन्हने आ कि मामला आवाज़ लगाती हुई कहती अनन्या अनन्या बेटा जल्दी से नीचे आओ कहती उन्हें आ रही यू मॉम कमिंग गिव गिवर टू मिनट्स यार प्लीज अन्नाया ने ने पे खुशी को मना रही थी फिर खुशी नहीं मान रही थी ऊपर से अन्नाया की मोम बुला रही थी तो कहती है पहले नीचे चली जाती पता नहीं मम्मा क्या, क्या बोलती हूँ कि हाँ काश ये बोल दे कि मेहमान जा रहे हैं कि बायकलो आ कितना अच्छा हो जाएगा इतना बोल के अन्नाया नीचे आती है पर नीचे आके तो बेचारे का सारा मूड ही खराब हो जाता है क्योंकि अनया की मोम कहती है रूम में सुनाको जाओ और आज वो तुम दोनों के साथ ठहरेगी दोका ठेरी नयाँ गोड दोनों के साथ एक ही रूम में नो बाबा नो खुशी तो मेरी जहाँ नै लगि अब हमें पढ़ाई करनी पढाइ गरी डिस्टर्ब ये, और, अ, 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 ये, ये क्या, क्या पता इसे अकेला सोना पसंद हो हाना चरापति ओ तो मेरे कंधे पे बंदूक रख के चला रही है लड़की मतलब खुद नहीं चाहती मैं इसके रूम में रहूँ और मुझे फंस रही है मतलब मेरे मुंह से इनकार किया कि मुझे पेरेंट्स के सामने गंदा करना चाह रही है पर डोंट वरी मैंने भी कोई कच्ची गोटियाँ नहीं खेली अब भी तुम्हारा दिमाग ठिकाने लगा दी जनाब होती नहीं नहीं आंटी मुझे तो कोई परेशानी नहीं होगी और मुझे तो वैसे बहुत अच्छा लगता है कंपनी मिल जाती है ना रात में अगर अनाया को थोड़ी प्रॉब्लम है अनन्या को तो कोई बात नहीं मैं अकेले रूम में भी सो सकती हूँ आई कैन मैनेज जिस पर अनन्या की मम्मी थी अनन्या सुना तुमने उसे कोई दिक्कत नहीं है अभी से रूम में लेके जाओ अनन्या बोती ओके माँ ठीक है चले मिस अनाया इस तरफ और ऐसे ही वो उसे लेके ऊपर रूम में आने लगती है अंदर ही अंदर दिल की धड़कने बढ़ने लगती है घबराने लगती है क्यों गॉड खुशी से देखेगी तो कच्चा खा जाएगी मुझे अब तो उसका गुस्सा सातवें आसमान तक पहुँचने वाला है और उसके कहर से अब तो मुझे कुछ भगवान भी नहीं बचा सकते आ, भगवान जी प्लीज़ हाँ प्लीज़ प्लीज, बचा लेना आप तो कुछ भी कर सकते हो ना चमत्कार ही कर दो कुछ इतना सोचते हुए रूम का दरवाज़ा खोलते हैं यहाँ खुशी मुस्कुराते हुए बहुत भाव खाली अब ज़्यादा अनन्न्या को परेशान नहीं करती हूँ और थी अनन्या वो इतना बोल के जब सामने देखती है अनन्या के साथ सुनाया खुशी का तो मुँह उतर जाता है खुशी तुरंत बेड से नीचे उतरती है अनन्या को घूमने लगती है तभी उन्होंने बहुत शनाया भी भी कम्फर्टेबल खुशी बाहर आओ मुझे आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है खुशी बहुत श्योर इंपॉर्टेंट बात तो मुझे भी करनी है चलो बाहर अब ये दोनों बाहर आ जाते हैं जहाँ खुशी अनन्या को बहुत गु़स्से से देख रही थी अनन्या बेचारी मुँह नीचे लटका के थी अच्छा वो मोम ने बोला है कि ये आज हमारे साथ रहेगी जिस पे खुशी बद क्या मतलब था मैडम आपकी इस बात का कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन क्योंकि मुझे तो समझ कुछ नहीं आया जिसपे नाने कम ऑन जान सिंपल वर्ड्स में बोला है ये आज यही रहेगी हम दोनों के साथ हमारे रूम में खुशी क्या दिमाग खराब है क्या तारोपी क्या यू हूँ पागल हो गई हो, हो? ना

रही है नौकरी करो ना उसकी अनुना बोती ओ जॉन प्लीज डोंट क्रिएट अ सीन खुशी अः मैं तो पागल हूँ मेरे सर पे तो सीन है और बस सीन ही क्रिएट करने तो मुझे आते हैं और वैसे गुस्सा जता रही थी अनन्या बोती ओ लव्यू लव यू लव यू लव्यू कैसे टॉप है तो मैं जॉन कर्टान आती हूँ भी अनन्या भाग के रूम में जहाँ दी और कहते क्या यार चो नया चलो दिखाती हूँ तुम्हें कौन से नल से गर्म पानी आएगा इतना बोल के वो वॉशरूम में आ जाती है शनाया के साथ अब वो शनाया को कहती क्या यार इसे ऊपर करना तो और गर्म पानी आ जाता तो कहती यार बहुत बार ऊपर क्या आ ही नहीं रहा गर्म पानी जिस पर ना बोती ओह मुझे करना पड़ेगा हटो अनन्या शनाया को साइड पर करती बोती अरे थोड़ा और साइड हो ना अनन्या बोलती हाँ हाँ हो रही हूँ अनन्या बिल्कुल शावर के नीचे खड़े हो जाती है और शावर ऑन कर देती है जिससे वो पूरी तरह से पिक जाती है और चिननाया जोरों से हंसती है अनन्या समझ जाती है कि सारा चिनाया का प्लान था अब तो अनन्या गुस्से से चिनाया को घूटती है और कितनी चमच के किया ना छताया कहती तुम्हारा घर तुम्हारा वॉशरूम तुम्हारा नल मैंने कुछ नहीं किया अगर तुम भीग गई तो इतना बोल के वो बाहर आ जाती है अब अनन्या भी बाहर आती है रूम में तो खुशी उसे गु़स्से से घूर दिया क्योंकि अनन्या भीगी हुई थी साथ में यहाँ शनाया भी थोड़ी सी भीगी हुई थी ज़्यादा नहीं पर थोड़ी सी खुशी बहुत ज़्यादा गुस्से से घूरने लग जाती है और हनन्या बोलती वो आम नल नल का इशू खुशी बोलती ओके खुशी कुछ नहीं बोलती उसे गुस्सा बहुत आता है वो बहुत जैलिस् होती है पर वो कुछ भी नहीं बोलती यहाँ अनन्या तो रूम में आके जम जाती मतलब खड़ी हो जाती है ना चेंज करती ना टावर लेती कुछ भी नहीं क्योंकि वो यही सोच रही थी भगवान कितना बड़ा पाप हो गया मुझसे कितना बड़ा गुनाह कर दिया अब कैसे मनाऊंगी जी तो चलती मानने वाली भी नहीं है वो इन सब सब चीज़ों में इतनी उलझ जाती है कि उसे होश ही नहीं होता कि चेंज कर लूँ भीग जाऊँगी ट्राई कर लूँ खुद को नहीं वो बस सोच ही जा रही थी तभी खुशी आती है और वो बैग पे उसके टावर रखती है और रूम से बाहर चल जाती है अनन्या का जान सुनो तो पर खुशी तो जा चुकी थी तभी चनाया अनन्या के पति वाह उससे तो बहुत प्यार से बात करती हो और मुझसे मुझसे बात करते हुए इतनी खुरूस क्यों जाती हूँ अनन्या टॉवल साइड पे पटकती हो गई थी यू सॉरी प्रॉब्लम की जन्ना तुम हो तुम 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 तुम, तुम, तुम। ओ, क्यों आई तुम मेरी जिंदगी पे मैं बहुत गुस्सा हो रहा है तुम पे इतना बोल के वो वॉशरूम में चली जाती है और वहाँ क्या के बैठ जाती है उसे समझ नहीं आता कि अब मैं कैसे मनाऊंगी यार खुशी को यहाँ खुशी नीचे के लिए जाके बैठ जाती है वो बहुत ज़्यादा अपसेरी होती है तभी आंटी जो है वो आती है मतलब वो गेस्ट रूम में थी अपने मेहमानों के साथ पर वो बाहर आती है अपने रूम में जाने के लिए क्योंकि क्यों कुछ लेना चाहता अभी उनकी नज़र खुशी भी पड़ती है वो कितनी खुशी तुम लिए आगे कर गया हो? खुशी बोलती कुछ कुछ नहीं आंटी पर खुशी रो रही थी और वो चीज़ अनन्या की मोम देख ली थी है। वो कहती है बच्चा वट हैंग यू हाँ क्यों रो रही हो बताओ मुझे तो खुशी आंटी को हक करती हो कहती आंटी अब ना आपकी बेटी मुझे प्यार ही नहीं करती है बदल चुकी है वो पूरी तरह बदल चुकी है वो कहते हैं ना अगर आप एक चीज़ को हासिल कर लो ना तो उसकी वैल्यू नहीं रहती सेम अनन्या जैसे अपनी वीडियो गेम्स के पीछे पागल होती है ना पर एक बार वो उन्हें ले ले तो एक दो बार खेलेगी एंड देन बोर हो जाएगी जिस पर उसकी मॉम कहती अपने वर्ड्स सीखो तुम गलत बोल रही हो तुम कोई खिलौना नहीं हो होके तुम प्यार हो उसका और अपने प्यार से कोई भी इंसान बोर नहीं होता हुं? क्या हुआ है कुछ लड़ाई हुई है तो बताओ मुझे कुछ ही कहती मुझे नहीं पता आंटी बट कभी कभी लगता है कि शी इज़ टोटली चेंज पहले में और अब में बहुत फर्क है पहले जैसे वो मेरा ख्याल रखती थी मुझे प्यार से देखा करती थी प्यार प्यार बातें किया करती थी हर टाइम बस मुझे स्पेशल फ़ील करवाने में लगी रहती थी बट अब सब बदल गया है आंटी पहले वो मेरे पीछे पागल थी और अब ऐसा लगता है कि मैं उसके पीछे पागल हूँ मतलब मैं कैसे समझाऊँ आंटी मुझे कैसा फ़ील होता है शी लव्स मी बट पहले जैसा नहीं आई वॉन्ट के सब पहले जैसा हो जैसे पहले प्यार की और रिस्पेक्ट सब कुछ था वही चीज़ें मैं अभी भी चाहती हूँ पर शायद मैंने कुछ ज़्यादा ही उम्मीद लगा ली हाँ आई थिंक मुझे इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि वक्त के साथ साथ रिश्तों में बहुत सी चेंजिंग आती है और हमें उसे हँसी खुशी एक्सेप्ट भी करना चाहिए कुछ तो ये सारी बातें कर रही थी और अनन्या स्टेयर्स के पास खड़ी सारी की सारी बातें सुन रही थी ये सुनते ही अनन्या की आंखों में आंसू आ जाते और ये आंसू गुस्से के थे अनन्या को गुस्सा आने लगता वो अपनी मुट्ठी को यू बंद करती है और गुस्से में कुछ सोचती और ऊपर रूम में भाग जाती है जब वो रूम में आती है उसकी आंखों में आंसू थे और वो चुपचाप बेड पे जाके बैठ जाती है एक पिल्लों को क्यों हक्की है और उसकी आंखें बंद होती हैं और सर उसने पीछे से यूँ टेक लगा रखा था बेड के साथ और बहुत कुछ उसके माइंड में चल रहा था तभी जो वो वो है कि यार मैंने कहाँ सोना है प्लीज़ अब ये ना कहना कि तुम्हारे साथ बेड शेयर करो क्योंकि मुझसे ये नहीं होगा तभी आंखें खोलती है और उसे गुस्से से देखती है शनाया देखती है उसकी आंखें रेड रेड हो चुकी है आंखों में आंसू के साथ साथ शायद गुस्सा भी है ये देखते ही एकदम शनाया चुप हो जाती है वो कुछ भी नहीं बोलती होती सॉरी और इतना बोल के बैठ पे दूसरे नुकर पे आके बैठ जाती है वहाँ जैसे तब खुशी भी रो रही थी अनन्या भी रो रही वो कहते हैं ना कि कभी कभी ज़्यादा बड़ी बातें नहीं होती छोटी छोटी बातें होती हैं और हम मिसअंडरस्टैंडिंग के चक्कर में ना रोना धोना स्टार्ट कर लेते हैं और बहुत सी चीज़ें सोचने लग जाते हैं लाइक हमारा पार्टनर चेंज हो गया पहले जैसा प्यार नहीं केयर नहीं रिस्पेक्ट नहीं होता कुछ नहीं है सेम चीज़ वैसे होता है हमारा पार्टनर पहले की तरह हमें प्यार देता है टाइम देता है सब कुछ देता है पर ना एक्चुअली में हम लोगों ने ना माइंड में एक चीज़ बिठा ली है कि रिलेशनशिप दो मंथ ठीक चलेगा तीन मंथ ठीक चलेगा ज़्यादा ज़्यादा एक साल ठीक चलेगा एंड देन चीज़ें चेंज होने लग जाएंगी और ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में इतना घर कर चुके हैं कि हम हमारे सही सलामत रिलेशन को भी ख़त्म कर देते हैं इन सब के चक्कर में ख़राब कहते हैं यही अनन्या और खुशी के साथ भी हो रहा था कि यार अनया की मोम खुशी को बहुत समझाती हैं और कहती हैं कि रूम में जाओ अनन्या से बात करो जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर करो या खुशी भी सोचती है कि हाँ मैं सब क्लियर करूँगी पर जब वो रूम में आती है तो उसका दिमाग फिर से ख़राब हो जाता है क्योंकि जहाँ शनाया और अनन्या की पहले लड़ाई हो रही थी अब शनाया थोड़ा सॉफ्ट बन जाती है वो कहते हैं ना कि कुछ लोग सिर्फ गुस्सा करते हैं दिखाते हैं बट एक्चुअली में सॉफ्ट हार्टेड होते हैं शनाया कुछ उस टाइप की लड़की थी जब वो उन्होंने वो गुस्से में और दुखी होते हुए देखती है तो उसे बुरा फील होता है और वह अनन्या के करीब आती है उसे टिशू ऑफर करती है यहाँ अनन्या उसके हाथ से टिशू ले रही थी और तभी खुशी आ जाती है उसे काफ़ी बुरा फील होता है और वो फिर से वापस जाने लगती है तभी अनन्या तुरंत उठती है और खुशी के पीछे भाग के उसका हाथ पकड़ती है खुशी अपना हाथ छुड़वाते हुए जाने लगती है पर नन्या उसे जाने ही नहीं देती वो उसे हक कर लेती है यहाँ अनया भी दुखी थी उसे भी बहुत सी चीज़ें हट कर चुकी थी पर फिर भी वो खुशी को जाने नहीं देती वो उसे बैग हक करती है और कुछ भी नहीं बोलती यहाँ खुशी भी अब चुपचाप बस उसके हाथों पे यूँ हाथ रख के खड़ी थी ये दोनों ही काफ़ी देर तक भी ना कुछ बोले एक दूसरे को बस यूँ हक करके खड़े होते हैं उसके बाद न थोड़ा पीछे होती है वो खुशी का अपनी तरफ घुमाती है और उसके फेस को टच करके बस उसकी आंखों में देखने लगती है यहाँ खुशी भी उसकी आंखों में देख रही थी और कहती है ना कि आंखें भी बहुत बातें करती हैं और जब आंखें बातें करती हैं तो ज़ुबान का कोई काम नहीं होता यहाँ पे भी यही चल रहा था ये दोनों आंखों ही आंखों में बहुत सारी बातें कर लेते हैं मानो अपने सारे शिकवे गिले ये दोनों दूर कर रहे थे आंखों ही आंखों में बातें करते हुए काफ़ी देर तक एक दूसरे की आंखों में देखने के बाद मानो जैसे इनके सारे दर्द ख़त्म हो चुके हों अब दोनों के फेस पे एक स्माइल थी दोनों एक दूसरे के आंसुओं को पहुँचते हैं और फेस पर बड़ी सी स्माइल लिए हाथों में हाथ लिए रूम में एंटर होते हैं जहाँ शनाया की नज़र तो सबसे पहले इन दोनों के हाथों पर ही जाती है कि किस तरह इन दोनों ने हाथ थामे हुए पर शनाया कुछ भी नहीं बोलती तभी यहाँ पे अनन्या जो है वो खुशी को ड्रेस देती है और कहती है कि जाओ चेंज कर लो सेम वैसे ही है जैसे आपको कम्फी पसंद है खुशी मुस्कुराती है और शनाया के होते हुए वो मतलब आ, मतलब चिक्स को छूती है अनन्या के और आँखों ही आँखों में उसे थैंक यू बोल देती है और फिर वो चेंज करने से नहीं जाते हैं यहाँ अनन्या का मूव एकदम से स्विच हो चुका था और बहुत हैप्पी हो चुका था वो बेड पे आ दिया और मुस्कुराते हुए कुछ सोचने लगती है यार शनाया भी हैरान थी कि यार ये लड़की अभी रो रही थी गुस्से में थी एंड अभी फेस पे स्माइल वो भी इतनी बड़ी इतनी सडनली कैसे मतलब हाउ इज पॉसिबल तभी खुशी आती है और वह अनन्या के पास आती है उसके ऊपर से चढ़ते हुए उसके साथ आगे लेट जाती है अनन्या मुस्कुराती है और वो ब्लैंकेट डालती है मतलब तो वो एक ही ब्लैंकेट लेते हैं जिसमें दोनों लेटे हुए थे तो बेचारे शनाया के पास कोई ब्लैंकेट नहीं था उसे ठंड लग रही थी और वही इन दोनों को देखे जा रही थी अब भाई उसे गुस्सा आ रहा था कि भाई मैं गेस्ट हूँ थोड़ी वैल्यू दे दो अच्छा कंबल शम्बल दे दो कुछ तो दो पर ये दोनों तो आराम से गुस्से हुए थे तभी शनाया बोल पड़ते हो ओह मुझे ठंड लग रही है क्या मुझे भी कोई ब्लैंकेट मिलेगा तभी अनन्या ब्लैंकेट उठाती अपने ऊपर से कहती आई एम सॉरी मैं मैं भी देती हूँ एम सो सॉरी और उसके बाद नया ब्लैंकेट दे दिया अब यहाँ शनाया अनन्या को देखती है पर अनन्या खुशी को देखे जा रही थी खुशी बहती है मुझे नींद आ रही है अनन्या बोती हाँ कमिंग अनन्या तुरंत आके लिए जाती है लाइट ऑफ कर देती है और अपना बाजू फैला देती है खुशी कहती है मेरी बाजू पे आज होना जिसपे खुशी भोती गेस्ट है यहाँ पे अच्छा नहीं लगेगा क्या सोचेगी अनन्या बोती कमो हम तो ब्लैंकेट के अंदर है ना दिखेंगे जल्दी से तो खुशी अनन्या के बाजू पे आ जाती है और ये दोनों ऐसे एक दूसरे को हक कर लेते हैं खुशी बोती है आप सिर्फ मेरी हो अन्य होती और आप भी सिर्फ और सिर्फ मेरी हो और मैं पूरी की पूरी आपकी हूँ लफ खुशी बोती धीरे सुन लेगी अनना ने नहीं सुनेगी तभी शराब बोलती क्या गुजर रहे हो आई वॉन्ट टू स्लीप अन्ना ने बोलती हाँ हमें भी सोना है सो ही रहे हैं हम और फिर ये दोनों ऐसे लेट जाते हैं एक दूसरे को ब्लैंकेट के अंदर से ही देख रहे थे ब्लैंकेट में अंधेरा था आधा चेहरा दिख रहा था आधा नहीं दिख रहा था पर फिर भी ये दोनों एक दूसरे को देखे जा रहे थे और स्माइल किया जा रहे थे तभी अनन ने अपना एक हाथ खुशी के लिप्स पर टच कर दी है तो खुशी अनन्या के हाथ पे स्पेशल उसके थम पे एक सॉफ्टली सी किस करती है अनन्या थोड़ा मुस्कुराती है और फिर खुशी उसी थम पे बाइट करती है अनन्या फिर से मुस्कुराती है और फिर वो अपने थम को अपने लिप्स के पास लेके आती है वहाँ पर किस करती है खुशी शर्माते हुए थी इन <coughs> डायरेक्टली मुझे किस किया जा रहा है मेरी किस चोरी की जा रही है <coughs> अनन्या कुछ के काम में गई थी इनडायरेक्टली क्या मेरी जान मैं डायरेक्टली कर लेती हूँ इसे बोल के किस करती है अब वो इतना रोमांटिक और डीप किस कर रही थी ना कि यहाँ शनाया को कुछ आवाज़ आने लगती है क्योंकि दोनों एक ही बेड पे तो थे शनाया एकदम से उठती है और लाइट ऑन करती है यहाँ दोनों की ना एकदम से बैठ बच दे है एक दूसरे से दूर हो जाते हैं और ऐसे प्रिटेंड करते हैं जैसे मानो ये दोनों तो गहरी नींद में चले गए हैं चनाया कहती अरे यार, यार ये क्या अजीब सी आवाज़ है और कहाँ से आ रही थी ऐसे बोल के इधर उधर देखते हैं पर जब उसे कुछ दिखाई नहीं देता कुछ समझ में नहीं आता तो बस लाइट ऑफ करके लेट जाती है या खुशी और नया हल्का हल्का सा हंसने लगते हैं तभी खुशी बोलती है चलो सोचाओ सुबह कॉलेज जाना और नया बोलती ओके ओके लव यू गुड नाइट और वे दोनों बस एक दूसरे को इतार्टली हक करते हैं और सोचाते हैं अब यहाँ खुशी की मम्मा जो है इन लोग सो रहे थे पर इनकी एक आदत होती है कि रात में जग भी इनकी आँख खुलती है पानी पीने के लिए टॉयलेट जाने के लिए किसी भी कारण तो खुशी को देखने जाते हैं अभी भी ऐसे होता है गीता की आँख खुलती है तो वो खुशी को देखने के लिए रूम में हैं पर खुशी तो रूम में थी ही नहीं गीता परेशान हो जाती है वो पूरे रूम में चक्ल पर उसे खुशी तो कहीं दिखती नहीं वो परेशान हो जाती है और जाके भूमि को जगाती है अब जैसे ही भूमि सुनती है उसके तो पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाता है क्योंकि उसने की बात याद आ जाती है कि उसका स्टेप डैड वो आज़ाद है शहर में वो खुशी को हार्म करने की कोशिश जरूर करेंगे भूमि का शक सीधा यही जाता है कि कहीं उसने खुशी को किडनेप तो नहीं कर लिया कहीं उसे हार्म करने की कोशिश तो नहीं करेगा यही सब कुछ सोचते हुए वो बहुत परेशान हो जाती है भूमि दुल्हन से बैठ से नीचे उतरती है वो कही पूरे पूरे गिर में अच्छे से देखा तो कहती थी हाँ मैंने देखा कहीं नहीं है तभी भूमि भागते हुए बाहर आते वो गार्ड से पूछती है और गार्ड बोलता है कि सॉरी मैम हमने उसे रोकने की कोशिश की पर वो ड्राइवर के साथ कहीं चली गई और अभी तक वापस नहीं आई बोम पती आर यू आउट ऑफ योर माइंड मैंने किस लिए रखा है तुम्हें यहाँ पे सोने के लिए हाँ यू स्टूपिड अगर मेरी बेटी को कुछ भी होना तो देखना भी मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ वो मैं गुस्से से चिल्लाने लगती होगी दी गार्ड अब मुझे बताओ कहाँ लेके गया ड्राइवर से ड्राइवर है कहाँ तो वो तो ड्राइवर तो अभी तक आया नहीं शायद वो घर चला गया होगा तुम सब पागल हो क्या बनबुद्धि बुद्धि गई के मोबाइल तो अपना जल्दी से तो वो गार्ड अपना मोबाइल देता है जिस पे भूमि तुरंत ड्राइवर को कॉल लगाती है पर ड्राइवर सो चुका था रात काफ़ी हो चुकी थी वो कॉल ही नहीं उठाता यहाँ दूसरी तरफ खुशी होने उन्होंने आराम से घोड़े गिदे बेच के सो रहे थे पर वहाँ गीता और भूमि उन दोनों की तो नींद उड़ जाती है गीता भी बहुत परेशान होती है भूमि भी बहुत परेशान होती है दोनों को नहीं पता था कि खुशी कहाँ गायब होगी इन दोनों की हालत एकदम से खराब हो जाती है ये लोग हर जगह पता करने की कोशिश करते हैं ड्राइवर भी कॉल नहीं उठा रहा था खुशी को कॉल करते हैं वो कॉल नहीं उठा रही और इन दोनों में से किसी के भी माइंड में नहीं आता कि शायद खुशी नन्ना के घर गई होगी तो ये दोनों नन्ना को कॉल ही नहीं करते करते तो शायद अनन्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्या को रिसीव कर लेती यहाँ भूमि जो है वो तुरंत ड्राइवर का एड्रेस निकालती है और वो गाड़ी में बैठ जाती है ड्राइवर के घर जाने के लिए गीता बोलती है मैं भी साथ आऊँगी और वो भी साथ चली जाती है थोड़ी देर के ड्राइव के बाद ये लोग ड्राइवर के घर पहुँच जाते हैं जहाँ ज़ोर जोर से दरवाज़ा पीट रहे थे पर सभी गहरी नींद में सो रहे थे भूमि बहुत ज़ोर जोर से दरवाज़ा पीटती है तो बेचारा ड्राइवर उठता है वो आँखों को यूँ रख करते हुए दरवाजे पैद हो गए थे क्या चाहिए भाई ऐसे बोल के दरवाज़ा खोलता है तभी सामने भूमि होती है वो कहती खुशी कहाँ हाँ कहाँ ड्रॉप किया तुमने उसे तेरा बोलते भूमि मैडम अब इतनी रात हुई क्या कर रही हो तो भूमि बोलती पहले तुम मुझे बताओ मेरी बेटी कहाँ है कहाँ छोड़ के आए हो उसे <coughs> तो बोता है सो, सो, सोरी वो आपकी परमिशन के बिना भूमिभोती वो सब छोड़ो खुशी कहा है वो वो ठीक तो है ना कहाँ छोड़ा तुमने उसे तो वो बोता वो ठीक है वो, वो अनन्या बेबी के घर है उन्होंने बोला कि मैं चला जाऊँ इसलिए मैं चला आया घर भूमिभोती अनन्या के घर मेरा मोबाइल वो जल्दी से पॉकेट में हार डालते हो अनन्या को कॉल करते है यार अनन्या भी सो रही थी वो कॉल नहीं उठाती मोबाइल बार बार बज रहा आता तो तभी शनाया की आँखुलती है नया कॉल उठाती है और वो बहुत डिस्टर्ब होती हो गई थी अरे यार इस लड़के का मोबाइल बजता ही रहता है क्या वो मोबाइल उठा

रात में अनन्या का फोन कहीं और इतना बोलने फिर से कॉल लगाती है तभी शनाया कॉल उठाती कहती क्या है यार सोने दोगे कि नहीं सोने दोगे तभी बहुमति देखो ये भी बहुत अर्जेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है अनन्या अनन्या कहा है हाँ अनन्या का तुम्हारे पास क्या कर रहा है तो वो अनन्या सो रही है प्लीज़ सुबह कॉल करना वो थी जगह हो उसे मुझे उसे बात करनी है मुझे उसे पूछना है मेरी बेटी कहा है मेरी खुशी कहा है कि थी, खुशी वो आपकी बेटी है वो ठीक है सो रही है अनन्या किस हम लोग सो रहे हैं बाद में कॉल करना गुड नाइट इतना मुल के वो कॉल रख देती है और बेचारी खुद भी जाके सो जाती है क्योंकि स्किन इन बहुत ख़राब हो चुकी थी हाँ गीता और भूमि तो थोड़ी सी कहरी सांस लेते हैं स्कून की सांस लेते हैं क्योंकि उन्हें पता चल चा चुका था कि खुशी बिल्कुल ठीक है और अनन्या के घर है पर फिर भी गीता नहीं मार रही थी उसे बहुत टेंशन हो रही होगी कहती नहीं नहीं मुझे जाना है मुझे खुशी को देखना है भूमि उसे समझाती है कि वो ठीक है तो कहती नहीं नहीं किसी और लड़की की बात पर हम कैसे विश्वास कर सकते हाँ हो सकता है वो झूठ बोल रही हो जब तक मैं खुशी को देखूंगी मुझे चाह आएगा प्लीज़ भूमि मुझे मुझे ले चलो भूमोती ओके ठीक है भूमि मान जाती क्योंकि कहीं ना कहीं भूमि खुद भी बहुत परेशान थी खुशी को देख के सुकून मिलना था उन्हें अब तो वो लोग सीधा आ जाते हैं अनन्या के घर पर बहुत रात हो चुकी होती है अब अनन्न्या की मोम तो जाग रही थी क्योंकि उनकी बचपन की बिछड़ी दोस्त उन्हें मिली थी तो उन्होंने गाय सोना था वो लोग तो पूरी रात बातें कर रहे थे तभी उन्हें मेरा के बता दिया कि यहाँ पे खुशी की आई हैं वो बहुत परेशान है तो बार भागती हो गई थी कि क्या हुआ गीता भूमि तुम ठीक तो हो ना गीता बी गी खुशी खुशी कहाँ तो गई थी वो तो ऊपर है अन्या के रूम में आराम से रिलैक्स वो सो रही है बिल्कुल ठीक है मोहम्मती हम हम एक बार उसे देख ले तो गई गु� थी हाँ हाँ जाओ अपने घर समझो और वो तो तो गीतर भूमि दोनों भागते हुए रूम में जाते अनन्या के रूम में वो खुशी को देखते हैं जो अनन्या को हक करके बहुत सुकून से सो रही थी अब ये दोनों जब खुशी को देखते हैं तो थोड़े इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि इन दोनों ने पता नहीं क्या क्या सोच लिया था कि पता नहीं हाई हमारी बेटी को क्या होगा क्या ना होगा वो ठीक होगी नहीं और जब खुशी को बिल्कुल ठीक देखते हैं। तो दोनों गहरी सांस लेते हैं खुशी को किस करके रोने लगते हैं बेचारिश शनाया की तो नींद पहले ही ख़राब हो चुकी थी अभी वो गहरी नींद में नहीं थी और इन दोनों के रोने की आवाज़ से और खुशी को प्यार करने की आवाज़ से और भगवान को धन्यवाद करने की आवाज़ से वो सुन मतलब उठ जाती है आवाज़ें सुन के और इन लोगों को देखने लगती है लेकिन ना ऐसे प्रिटेंट करती है जैसे वो सो रही है आधी खुली आधी बंद बंदाखों से इन्हें देखनी थी तभी की तरफ भूमि एक दूसरे को हक करते हैं भूमि मैंने बोला था ना हमारी बेटी को कुछ नहीं होगा हम गीतावती थोड़ी है ठीक है पर पर इसने आना था, तो हमें बताया क्यों नहीं भोमबत्ती शायद हम सो गए होंगे और उसे लगा बताना ठीक नहीं होगा जिस पर गीतावती पर थी को अचानक से यहाँ क्यों अरे मैं सी तो छोड़ सकती थी ना बोमबत्ती है तो सुबहझक बुझकेगी ना अच्छे से उसकी क्लास लेना मैं भी लूँगी अभी चलते हैं और फिर दोनों खुशी को प्यार करते हुए वहाँ से निकल आते हैं अब यहाँ शनायत समझ जाती है कि ये खुशी के रिलेटिव्स हैं शायद मोम लेकिन उसे समझ नहीं आता कि दोनों लड़कियाँ लिख हो गई थी क्या मुझे क्या मुझे सोना है तब बोल के वो सो जाते हैं यहाँ अनया की मोम कहती है कि क्या वो सब ठीक तो है ना इतनी रात में अचानक से यहाँ पे जिसपे गीत बोती वो खुशी अचानक से आ गई उसने बताया नहीं तुम तो हम थोड़े परेशान हो गए थे तो ये क्या खुशी बता के नहीं ऐसा तो हो नहीं सकता खुशी तो बहुत रिस्पॉसिबल बच्ची है तभी तो भूमि बात को कवर अप करते हुए थी हाँ वो हम लोग सो गए थे ना तो उसने एक लेटर छोड़ा था हम हमसे मिस हो गया हमने देखा नहीं तो हम पैनिक कर गए बट थैंक गॉड के दोनों बच्चियाँ ठीक है अब अब हम चलते हैं यहाँ नन्हे की माम कहती है बहुत रात हो गई आप लोग यहीं स्टे कर लो पर ये दोनों नहीं मानते और घर आ जाते हैं सो गर्स आज के लिए इतना ही मिलता है फिर नेक्स्ट पार्ट में तब तक लेटा डा बाय पर जान से पहले प्यार से छोटी मुझे कि अगर अभी तक मेरी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार किस बात की देरी है जल्दी से मेरी इस वीडियो को लाइक कर दो तो, कमेंट कर दो तो, शेयर कर दो तो, चैनल खोल लो जल्दी से सब्सक्राइब और देन टाटा बाय बाय